आप हैं जहां, न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिवार वालों ने सरकार से उनके बच्चों को सुरक्षित भारत लाने की गुहार लगाई है। जैसा कि आप जानते हैं, रूस यूक्रेन पर हमला कर चुका है। ऐसे में मेवात के उन परिवारों के दिल की धड़कन बढ़ गई है जिनके बच्चे पढ़ाई के लिए वहां गए हुए हैं। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर बसे मेवात जिले के तकरीबन 70 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवारजनों ने केंद्र सरकार से उनके बच्चों को सुरक्षित भारत लाने की गुहार लगाई है। यही नहीं, मेवात जिले के 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूक्रेन की यूनिवर्सिटियों में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए हैं। ऐसे में मोहम्मद हारून ने सरकार से मांग करते हुए गुहार लगाई है कि उसके दोनों बेटे पढ़ाई के लिए विदेश गए हुए हैं, मन में डर लग रहा है। इसी तरह मेवात में रहने वाली नजमा की कहा कि उसके दो भाइयों जो यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, उन्हें सरकार को वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में अब देखना होगा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सरकार कब तक भारत लाती है। मास्टर जी, आपका नाम क्या है, कौन सा गांव है और कितने आपके लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है जी। मेरे दो बेटे, 5 बेटियां हैं जी। अल्लाह का शुक्र है, मेरे सारे बच्चे एजुकेटेड जी, सारे बच्चे साइंस साइड से पढ़ रहे हैं जी। दोनों बेटों को मैंने विदेश भेजा हुआ है जी। बड़े बेटे का 5 साल पूरे होने वाला, छोटा बेटा का अभी फर्स्ट ईयर है जी। किस चीज़ में? MBBS कर रहे हैं दोनों बेटे। अच्छा, तो जिस तरीके से रूस का और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो क्या कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखो जनाब, हमारे बच्चों से जैसे बात होती है, बच्चे तो बोल रहे हैं पापा घबराने कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें तो फिर भी पूरी रात नींद नहीं आती जी कि दो बेटे हैं, दोनों बेटे बाहर हैं जी। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे बच्चों को सुरक्षित पहुंचाया जाए जी, जितना जल्दी हो सके जी। तो बताएं क्या कदम सरकार ने किराया माफ़ करने के बजाय, कम करने के बजाय ज़्यादा बढ़ा दिया, क्या जानकारी में है कि? जी, बच्चों से हमारी बात होती रहती है। बच्चे बोल रहे थे पापा पहले हमारा टिकट 35,000 रुपये में हो जाता था, लेकिन आज की तारीख में हमारा टिकट 85-90 में हो रहा है। तो क्या आपने पैसे भेजे हैं, कैसे भेजे हैं? सुनने में आया कि आपने भैंस बेच के नहीं पैसे भेजे हैं बच्चों को, क्या है? जी जनाब, मैंने 2 भैंसे बेची है जी 1,35,000 रुपये में। तो मैंने 1,35,000 के 35 बच्चों के अकाउंट में डाल दिए जी, बल्कि मेरे अपने अकाउंट में डाले, वो मेरे अकाउंट से ही लेना देना करते हैं जी। तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है बच्चों से दूर रह के, जिस तरह के हालात? देखो जनाब, हमें तो ये महसूस हो रहा है जी, अगर हमारे बच्चे पहले ही हमारे पास आ जाते तो हम अपने भैंसों को नहीं बिगाड़ते जी, क्योंकि इतनी मेरी सैलरी में भी पूर्ति नहीं होती। 5 बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी JNM कर रही है जी, एक बेटी BA फाइनल कर रही है, तीसरी बेटी BA फर्स्ट ईयर है, बड़ी बेटी को मैंने JBT कराया, छोटी बेटी मेरी 6th क्लास में है जी, सारे बच्चे अल्लाह का शुक्र है जी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, और एक टीचर है, और मैं एक मामूली सा टीचर हूँ जी। तो क्या सरकार से डिमांड? मैं सरकार से ये डिमांड करता हूँ जी, जैसे पहले 2014 में सरकार ने अपने खर्चे पे बच्चों को या अपने नागरिकों को लाया हुआ था, तो उसी तरीके से बच्चों को वापस लाए, फ्री में वापस लाया जाए जी। तो फिर यहाँ रिश्तेदार और आसपास के लोग भी आप लोगों से दरियाफ्त करने आ रहे होंगे हालचाल? जनाब, सुबह से लेकर शाम तक तांता लगा रहता है जी, और जो नहीं आ पाते वो मोबाइल से बात करते हैं, रात को 2 बजे तक भी नहीं सो पाते जी हम लोग। थैंक यू जी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम नजमा है। नजमा, ये बताओ कि आपके कितने भाई हैं और कहाँ पर हैं, कैसा महसूस हो रहा है और क्या डिमांड करती है सरकार से, प्रशासन से? जी, मेरे 2 ही भाई हैं, दोनों ही वो यूक्रेन में पढ़ाई करने गए हैं। तो अभी महसूस तो अच्छा तो फील करेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतना बुरा माहौल है, रात को नींद भी नहीं आती, बस ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, सुबह कैसी खबर आएगी वहाँ से। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि जितने भी भाई मेवात के और भी भाई हैं हमारे, सबको सही सलामत लाया जाए। तो उनकी कब बात हुई थी आपसे? मेरी तो कल शाम को बात हुई थी उनसे, वो अभी बोल रहे कि हम तो फिलहाल तो सुरक्षित है, लेकिन डर बना रहता है हर वक्त, पता नहीं कब क्या हो जाए, गवर्नमेंट ने टिकट भी डबल कर दिए, तो अभी ऐसे में हम क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनको हो सके तो बच्चों को फ्री में ही सर्विस दी जाए। लेकिन अति पिछड़े मेवात इलाके से पढ़ाई के लिए विदेश गए बच्चों के परिजन काफी परेशान हैं। मेवात के इन लोगों की सरकार से एक ही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें उनके बच्चों से मिलवा दिया जाए।